कब से कांप रहा है? अभी 2-3 घंटे। मैं तो घर से आई हूँ अभी, आके देखा मैंने, कहीं चुगा कर देखा ढुला के, मैं तो सब्जी काट बैठा, कहा गई अब मैं चुप चुप सा कैसे चारा वारा खाया? हाँ यार तो खाया उसने, बस गई है चुगा कर लाया जंगल। अच्छा जब चुगा खूब खेला कूदरा अभी हो गया, मैं कहीं भी नहीं पकड़ी है छोटू कारण हाथ में लगा दे मोटो मोटो कान तैयार इसके। हम बस सोचे जो लाओ कुछ दिए 4-5 रुपए दो जरा। कीड़ों की दवा कब दी इसे? कीड़ों की तुमने कीड़ों की दी ना अफारा थोड़ी है इसके पेट तो नॉर्मल है। साथियों देखा आपने 2-2.5 घंटे पहले बकरा बिल्कुल ठीक था और उसके बाद जैसे चर के आया घर में तो ये कांपने लगा और कांपने की वजह से पिछला हिस्सा बहुत ज़्यादा कांप रहा है इसका और साथ ही साथ दोनों कानों पर इसके सूजन आ रखी है और टेम्परेचर अभी फ़िलहाल ले रहे हैं तो टेम्परेचर इसका जो हमने डायग्नोसिस किया है वो है 103.5 डिजिटल थर्मामीटर के माध्यम से हमने इसका टेम्परेचर लिया है और मेनली कानों का जो सूजन होता है अचानक से या तो किसी जानवर ने इसको काटा है उसकी वजह से इसको फीवर आया है या कभी कभी इन्फेक्शन होने की वजह से बॉडी में कानों में स्वेलिंग आ जाती है लेकिन दोनों कानों में है फेस पे और कहीं पर भी इसकी स्वेलिंग नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपने क्या उपचार करना है तो सबसे पहले जानवर को आपने 2 ml एविल देना है। एविल ज़रूर देना है इसमें 2 ml डीप इंटरमस्कुलर और फीबर की मैं बात करूं तो यहां पर आपने 2 ml इंद्रोफ्लॉक्सासिन हमने यहां लगाया है इसको और यहाँ पर गाइस हमने इसको 0.5 ml हमने इसको आइवरमेक्टिन दिया है। फीवर के लिए आपने जो लगाना है न्यूमोसिलाइड पैरासीटामोल आप दे दें, इंशाल्लाह 1/2 घंटे या 1/4 घंटे में इसकी रिकवरी होने लगेगी और जो कान की सूजन है ये भी बहुत जल्दी उतर जाएगी। ब्लड में इन्फेक्शन होने की वजह से या कभी कोई ततैया वगैरह या मधुमक्खी काट लेती है तब भी इस तरह के केसेस हमें देखने को मिलते हैं लेकिन फेस पे कोई और भी कहीं पर भी स्पॉट नहीं है काटने का तो अचानक से ये प्रॉब्लम बनी है। अगर बकरा आपका कहाँ अचानक से कांप जाता है और इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो आपने कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, इन इंजेक्शनों से आप उसका ट्रीटमेंट करें और जितना जल्दी हो सके अगर आपने डिवॉर्मिंग नहीं करी है पेट की कीड़ों की दवा नहीं दी है तो तुरंत आपने दवा लगाने के कुछ घंटे के बाद पेट के कीड़ों की दवा आप ज़रूर दे दें चाहे वो खाली पेट हो चाहे भरा पेट हो कोशिश ये करें। और कंपन की मैं बात करूँ तो कंपन जैसे ही आप इंजेक्शन लगाएंगे तो 1/2 घंटे में ही जनरली ये कंपन है बॉडी में, फीवर की वजह से भी आ जाता है कभी कभी कंपन और सर्दी का तो समय ही चल रहा है सर्दी की वजह से भी जानवर को जब फीवर चढ़ता है तब भी कंपन की स्थिति बन जाती है तो यहाँ पर घबराएं नहीं, इंशाल्लाह आपका बकरा जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये जो बच्चा है काफ़ी मेहनती है जो बकरा चरा के लेके आया है और इनका कहना है कि बकरा बिल्कुल चर के ठीक मस्ती करके वहाँ से आया था अचानक से इस तरह के सिम्टम्स क्रिएट हो गए। और कोशिश ये करें अपने बाड़े में एंट्रोटॉक्सीमिया की वैक्सीन की शुरुआत आपने अब धीरे धीरे जैसे इस बरसात लगेंगी तो आपने लगानी बरसात से पहले शुरू कर देनी है। धन्यवाद।